तो ये है एक हेड स्टील सर्वर। अगर आप यहाँ पे मर गए तो आपका हेड ड्रॉप हो जाएगा और जिसके पास आपका हेड है वही बंदा आपको रिवाइव कर सकता है। और इसी सर्वर में आज मेरे दोस्त को उसके टीममेट्स ने बिट्रे किया और उसका हेड अपने पास रख लिया। तो देखते हैं कि आज मैं इस सर्वर की सबसे डेडलीस्ट गैंग से वो हेड ले पाऊंगा या नहीं। ओके तो गाइस मैं उन लोगों के बेस में आ चुका हूं और मुझे सबसे पहले एन्चेंटमेंट टेबल के पास जाना है बिकॉज उसके नीचे एक बैरल है जिसके अंदर से मुझे थोड़ा बहुत सामान मिल सकता है। बट अभी बेस में काफी ज्यादा बंदे घूम रहे हैं तो जैसे ही वो लोग बेस से हटते हैं मैं फौरन वहां से निकल जाता हूं और एन्चेंटमेंट टेबल के नीचे खोदना शुरू करता हूं। ओके यही है, जल्दी करना पड़ेगा कोई आ ना जाए। ओह शिट, बेस में कोई बंदा आ चुका है और मेरे पास इनविस का पॉट पड़ा हुआ है, लेट्स गो मारते हैं। और अब मैं इन लोगों के बेस की एक एक जगह देखने वाला हूं, मुझे किसी तरह भी क्लू ढूंढना है। ये है वो बंदा जिसने अब्बास को मारा था एंड आई डोंट नो किसने हेड को कहां पे रखा हुआ है। अभी के लिए मुझे आगे चलना चाहिए। इन लोगों का गाइस बेस तो काफी बड़ा है लेकिन अब्बास का हेड पता नहीं कहां पे रखा है इन्होंने। ओके तो गाइस अभी मेरे पास लास्ट इनविस है और सिर्फ 5 मिनट का बाकी है, मुझे जल्दी से जल्दी ब्रूइंग एरिया में जाके इनविस की पोशंस बनाने पड़ेंगे। अरे यार 3 मिनट का इफेक्ट रह गया और ये बंदा पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। ओके पिस्टन की आवाज आई, आई होप सो के किसी सीक्रेट चीज की तरफ जा रहा है। ओके गया नीचे। ओके गाइस मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक एक्वेरियम है, मुझे लगा कि कोई बेस होगा। बट इसने एक्वेरियम को इतना सीक्रेटली क्यों बनाया है, मे भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज इसकी यहाँ पे है। अच्छा तो इसकी यहाँ पे एक एक्सेलोटल है, ये आता है उसे ट्रॉपिकल फिश खिलाता है और यहाँ से चला जाता है। हो सकता है कि अगर मैं इसकी एक्सेलोटल उठाऊं और इसके बदले में उसे अब्बास का हेड मांगू तो ये शायद से मुझे दे दे। क्या नाम है? जेली। और यहाँ पे मेरी एडवांसमेंट नजर आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग जल्दी से नीचे आ जाते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि उनकी एक्सेलरेटर चोरी हो चुकी है। ओह शिट, अरे यार दोनों क्यों आ गए हैं? अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं भी मर जाऊंगा। ओह भाई सिर्फ 1 मिनट का इनविजिबिलिटी रह गया। ओह नो सिर्फ 20 सेकंड बाकी हैं, जो होगा देखा जाएगा। भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, वहां से तो मैं बार बार बचा लेकिन कहता हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जल्दी से जल्दी 50K हिट कर पाए। तो मैंने अब्बास से पूछ लिया है, MC गेमर पाई के पेट का नाम है जेली जो कि मेरे पास है और अब उसके बदले वो मुझे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। MC गेमर पाई हाय, इसके साथ पहले VC जाते हैं। अरे व्हाट आर यू, तुमको ये वेस्ट कहां से मिला? हेलो MC देखो तुम्हारी कीमती चीज मेरे पास है। व्हाट व्हाट तुम्हारे पास मेरा जेली कैसे आया? हेलो कुछ ना करना, मेरे दोस्त को बुला रहा हूं तुमको मारने के लिए। जैसा कह रहा हूं वैसा करो वरना आज ही मर जाएगी। अगर तुमने अपने किसी दोस्त को बताया कि मैं बेस में हूं तो आज के बाद तुम कभी जेली से मिल नहीं पाओगे। ठीक है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप मुझे उस जगह पे लेके जाओगे जहाँ पे अब्बास का हेड है? ठीक है मेरे पीछे भी जाओ। और इधर पीछे भी जाओ। आपको मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट सम पोर्ट्स। अरे मेरे पास ही है ना, मेरे से ले लो। इधर कुछ। ओके नाइस घुमाओ। ये कुछ नहीं था, ये तो सीधे सीधा मजाक बनाने की अच्छी चीज है। देखो एक सेकंड हाँ मेरे पीछे भी जाओ। नहीं साइड में जो नीचे जाने दो मुझे। भाई तुम मुझे कबार खाने में ले आओ और मुझे बोल रहे हो कि यहां पे वो है। अरे मैं बोल, अरे नहीं तुम भूल रहे हो इसको, फिर से भूल रहे हो, दोबारा से याद कराता हूँ। नहीं सर ये मैं बटन दबा रही, इधर हॉपर आएगा उसके 5 लेडीज तो निकाल दो। ओके हाँ निकालो जल्दी निकालो, मिल गया। देखा मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, प्लीज मेरे। ओके तो ये है तुम लोगों की स्ट्रेटेजी। यस अभी मेरा सब कुछ बता दिया। कुछ लिखा हुआ है 570-2100। इस कोर्ट पे तुमको जाना पड़ेगा फिर तुमको वो एड मिल जाएगा। अभी मेरा एक्सेलरेटर दे दो। आर यू श्योर इस कोर्ट पे मुझे मिल जाएगा? 100% श्योर हूँ मैं। मुझे एक शील्ड दो। ठीक है एक्सेलरेटर दे दिया, अभी प्रॉमिस। अगर तुमने किसी को बता दिया मेरे जाने के बाद के मैं स्पेस में आया था। नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्या शील्ड दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिया। प्लीज मेरा जेली दे दो यार। ये लो तुम्हारा जेली। ओ माय गॉश अब तुम गए, मेरे को तंग करने का नतीजा। अब तुम एक्टिंग करते हो, तुमने मेरा आज तुम गए। ओ शिट थ्री। आपको पहले पता होना चाहिए था अटैक नहीं करना चाहिए। अब आपका हेड और आपके एक्सेलोटल दोनों वापस से मेरे पास आ चुके हैं। मैं लेफ्ट हो गई सीधा। अगर आप किसी को कुछ बताते हो तो आपका ये हेड और आपकी एक्सेलोटल दोनों मैं चला दूंगा, सिंपल है। अरे नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे को सिर्फ रिवाइव कर देना और एक्सेलोटल को जैसे भी करके सेफ रख देना प्लीज, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाँ मैं आपको अपना काम पूरा होने के बाद पक्का रिवाइव कर दूंगा। ठीक है ठीक है ये प्रॉमिस याद रखना। इसके बाद वो मुझे कहता है कि पिकैक्स वापस डालो और फिर निकालो और वहां पे कुछ होगा। इसके अंदर से ये पिकैक्स ऐसे करके पिस्टन की आवाज आई ना, निकाली थी, कुछ यहाँ से हिला था और वो है ये स्लैब।
उस स्टेयर के पीछे क्या था। उससे पहले मैं आपको आज एक बहुत अमेजिंग माइनक्राफ्ट के सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका आईपी आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और इस सर्वर पे ऑलरेडी 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने लैंड क्लेम कर लिया हुआ है। और रिसेंटली आसुबू ने अपनी एक ऐप प्ले स्टोर पे लॉन्च किया है। बस आपको सिंपली गूगल से साइन इन करना है और आपको फ्री में 500 कॉइंस मिल जाएंगे। और इस ऐप में आपको अलग अलग माइनक्राफ्ट की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी और आप लोग अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी वीडियो को सिंपली उनके डिस्कॉर्ड पे सबमिट करना है। और अगर आप इन्फिनिटी पोशन बाय करते हैं तो आपको 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग स्किन्स देखने को मिलेंगी। हर स्किन के साथ हमें कोई ना कोई एबिलिटी मिलेगी। और इस ऐप से आप लोग लैंड भी क्लेम कर सकते हैं, कीज को भी परचेस कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात, आसुबू हीरो रैंक को आप लिटरली 980 कॉइंस में परचेस कर सकते हैं, जो कि लिटरली 10 रुपए से भी कम है। और आसुबू कॉइन अर्न करने के लिए मेरे पास एक बोनस ट्रिक है। आप अपना सामान बाय और सेल करके इजीली आसुबू कॉइंस अर्न कर सकते हो। सो या आप भी आसुबू के सर्वर पे आके खेल सकते हैं। और अब देखते हैं उस स्टेयर के पीछे क्या है। ओके, इस लैब के पीछे देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे एक मैप पड़ा हुआ है। लेट्स सी पकड़ता हूँ। ओके गाइस, मैप तो मैंने पकड़ लिया है। और मैप हमें जिस लोकेशन की तरफ लेके जाता है, सबसे पहले हम उस लोकेशन की तरफ चलते हैं। और वो रहा हमारा ग्रीन डॉट जहाँ से हमें उस तरफ जाना है, बट वहाँ पे ड्राको खड़ा हुआ है। ओके, आई थिंक सो हम इस तरफ से जा सकते हैं। ड्राको वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये मैप सिर्फ उस तरफ ही लेके जाने को कह रहा है। यहाँ पे ये कुछ लीवर लगा हुआ है और यहाँ पे कार्ड्स। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से डिग करके वहाँ चला जाऊँ तो, लेकिन मुझे उसके एग्जैक्ट कोड्स नहीं पता ना। ओह, यहाँ पे तो रेल का सिस्टम है। ओके, मिल गई। ओके नाइस, लेट्स गो। ओके गाइस, लेट्स गो। ओह शिट भाई, ओह कार्ट किधर चलेगी। ओह शिट, टीएनटी की आवाज़ आई। ओह माय गॉड, सो ये था एक उनका घटिया तरीन ट्राको ऊपर है। ओह शिट। ड्राको के आने से पहले मुझे जल्दी से उस की तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, मैप मुझे लेके जा सी डायरेक्शन पे। अच्छा, ये डायरेक्शन थी उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे ट्रैप की तरफ लगाया हुआ था। क्या चिमकांडी आदमी है भाई ये लोग। कौन सा बैरल है जिसके अंदर वो पड़ा हुआ है कोई याद। ओह शिट, आ रहा है वो इधर। नो वेस, अरे भाई इधर ही आ रहा है वो। ओह माय गॉड, बार बचो भाई। अरे भाई मिल जा, किधर है। सारे के सारे खोल डालूंगा आज मैं। ओके मिल गया, क्योंकि गाइस वो ट्रैप एक्टिवेट हो चुका है तो उन लोगों को ये तो पता चल गया कि किसी ने एक किया। ओह शिट, मेरा इनविजिबिलिटी खत्म हो गया। ओह नो, आर्मर पहनो जल्दी से। ओह शिट, इसकी ऐसी की टैसी। आई एम लिटरली गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू इन 3 टैप। ओके, तो मैं फाइनली गॉड्स पे तो आ चुका हूँ एंड यहाँ पे ये जगह ऑलरेडी ब्लास्टेड है, बट ये हाउस तो बिल्कुल सही सलामत वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है, मैं टोटम को पकड़ लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे और कुछ तो नहीं नजर आ रहा, सिर्फ ये 3 आइटम फ्रेम्स लगे हुए हैं। और आई थिंक सो वो पर्ची जो मुझे मिली थी, इसका इनसे कोई ना कोई लेना देना जरूर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 3, 2, 1, 1, 2, 3। ओके, नीचे की तरफ उसने साइन किया 1 एंड 2। ओके, दिस इज द लास्ट वन। सर्वर पे भी कोई नहीं है। 1, लेट्स गो। ओह शिट, ट्रैप था, क्यों नहीं समझा मैं पहले। ओह माय गॉड, ये लोग कितनी हद तक जा सकते हैं भाई। मुझे वो हेड यहीं से मिलना था, पर जब ड्राको को पता चला कि वो ट्रैप एक्टिवेट हो चुका है तो उन लोगों को शक हो गया था कि कोई बंदा हेड लेने आने वाला है, और उन्होंने वहां पे ट्रैप बना दिया। और अब जिसके पास हेड है, या तो वो बंदा मरेगा या तो मुझे वो हेड देगा। आर जोर प्लेस जॉइन द गेम, वेट, इससे बात करता हूं मैं। बाय द वे आरटीयू, मेरे को एक चीज बताओ, क्या आप सर्वर में आए क्यों? मैं सर्वर के अंदर नहीं आया, मैं आप लोगों के बेस के अंदर भी आ चुका हूं। हेलो यार, बराबर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आवाज का हेड किसके पास है। आवाज का हेड तो मेरे पास ही, लेकिन आप लोगों के कहते हैं भाई, नेदर का चेस्ट प्लेट है मेरे पास। आप मुझे पावर्स अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? देख लो मेरे हाथ में क्या। लाइक मेरे हाथ में तो है ही नहीं यार, मैं इसको मार पीट के नहीं निपटाना चाहता। आपके 2 दोस्त मर चुके हैं, उनके हेड्स मेरे पास है। अगर आप मेरे दोस्त का हेड वापस नहीं करोगे तो 3रा हेड आपका मेरे पास होगा। आपने मारा कब इन लोगों को? मैं ज्यादा टाइम नहीं आपको दे सकता, मुझे बताओ हाँ के ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको मार दूं और ये 2 हेड आपको मार के ले लूं? उसका आपको मौका नहीं मिलेगा, लावा के अंदर दोनों हेड जला दूंगा अभी। ओ भाई, ओ बंद करो, लावा हटाओ। अच्छा, चलो मेरे पीछे आओ भाई, बस इतना भरोसा है कि तुम हेड वापस कर दोगे ना। तो मेरे पे यकीन करो, मुझे इन हेड का कोई काम नहीं है। आप नदर में फाइट के लिए आए हो क्या? ओह शिट, लाइक एक सेकंड भाई, तुम आई एम हेयर बडी। फाइनली जिस चीज को ढूंढने के लिए मैंने हर चीज ट्राई की, वो हेड
इस जगह पे है और जो मैंने अपने दोस्त से वादा किया था अब उसको पूरा करने का टाइम आ चुके हैं। उस साइड का दो हेड देखो, इस साइड का देखो। लगाओ एक हेड वहां पे, लगाओ। हेड तो आ गया है यार, बट उसका क्या जो आपने आवाज को मारा था? भाई आपने, ये चीटिंग नहीं है भाई, आड़ी भाई। और इसी तरह तीनों को मार के मैंने रिवेंज पूरा कर लिया था और इसके बाद मैं सबको रिवाइव कर देता हूँ क्योंकि मेरा मिशन पूरा हो चुका था। एंड या आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।